चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर चर्चा की। आज हम उसी विषय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज PQRS में कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S 1:2, 3:3, 4:1 के अनुपात में है। इसके सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मान लेते हैं कि कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S का माप क्रमशः X, 2X, 3X और 4X है, और हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों के योग का माप 360 अंश होता है, यानी कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, X धन 2X धन 3X धन 4X बराबर 360 अंश। बाईं ओर का योग होगा 10X। इसे हल करने पर मिलेगा X बराबर 36। हमें X का माप यानी कोण P का माप मिल गया है। इसकी सहायता से हम बाकी कोणों का माप निकाल सकते हैं। बाकी कोणों के माप कुछ इस प्रकार होंगे, कोण P, कोण Q, कोण R और कोण S के माप क्रमशः 36, 72, 108 और 144 अंश हैं। आप इन सभी कोणों को जोड़कर देख सकते हैं कि इनका योग 360 अंश होगा। चलिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज EFGH के कोणों का अनुपात कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। दिए गए अनुपात के आधार पर चतुर्भुज का निर्माण कीजिए और उसका प्रकार बताइए। दोस्तों, इस संकेत का उपयोग कर आप इस प्रश्न को खुद ही हल करने का प्रयास करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्भुज ABCD में कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है और कोण D का माप कोण C के माप का 3 गुना है और कोण A तथा कोण C का योग 105 अंश है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करें। दोस्तों, क्या यहाँ पर आकृति बनाने की आवश्यकता है? नहीं, हम बिना आकृति के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमें दिया हुआ है कि कोण B का माप कोण A के माप का 2 गुना है, तो अगर हम कोण A को X लें तो कोण B होगा 2X। इसी प्रकार कोण D का माप कोण C के माप का 3 गुना है, तो कोण C को अगर हम Y लें तो कोण D होगा 3Y। साथ ही यह भी दिया हुआ है कि कोण A धन कोण C बराबर 105 अंश है। कोण A और कोण C को X और Y के रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। चलिए इसे समीकरण 1 कहते हैं। हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश है। इसे हम समीकरण 2 कहते हैं। अब ऊपर माने गए कोण ABCD के माप को समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा, इसे थोड़ा सरल करें तो मिलेगा, चलिए इसे समीकरण 3 कहते हैं। दोस्तों, समीकरण 3 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसमें समीकरण A का मान रखकर Y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमें मिला Y बराबर 45 अंश। अब Y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम X का मान निकाल सकते हैं, यानी कोण A बराबर X बराबर 60 अंश और कोण C बराबर Y बराबर 45 अंश और कोण B तथा कोण D होंगे कोण B बराबर 120 अंश और कोण D बराबर 135 अंश। इस प्रकार हमें सभी कोणों के माप प्राप्त हुए। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया। अगले सत्र में हम इसी विषय पर आधारित कुछ तथ्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।